दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपसे हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। बात ये करेंगे कि कभी ऐसी कंडीशन अगर होती है कि जब वैकेरियस हेमरेज हो, मतलब वैकेरियस हेमरेज का मतलब ये होता है कि एक जगह से ब्लीडिंग बंद हो और दूसरी जगह से शुरू हो जाए। एक छिद्र से ब्लीडिंग हो रही है तो वो बंद होकर के दूसरी जगह से हो जाए बॉडी के किसी पार्ट से। जैसे आपने बड़ी बार देखा होगा कि जब कंडीशन होती है लेडीज़ के केस में मेंसेस का, और कभी कभी क्या होता है कि मेंसेस बंद हो जाता है और मेंसेस के समय में नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, या मेंसेस के समय में पाइल से ब्लड आना शुरू हो जाता है, मतलब लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आना शुरू हो जाता है। मेल के केस में ऐसा हो सकता है कि पाइल्स का ब्लड है, आ रहा था, बंद हो गया, नाक से आना शुरू हो गया या कहीं और से आना शुरू हो गया, तो इसे बोलते हैं वैकेरियस हेमरेज। मतलब एक छिद्र से ब्लड का बंद होना और एक छिद्र से ब्लड का आना शुरू हो जाना। तो दोस्तों ये कंडीशन कभी कभी डेवलप हो जाती है, स्पेशली ये फीमेल के केस में ज़्यादातर पाई जाती है, लेकिन मेल में भी पाई जाती है। अब ऐसी कंडीशन के लिए कई सारी मेडिसिन है, उसमें से पाँच मुख्य मेडिसिन हैं, आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। जैसा कि आपको पता ही चला कि वैकेरियस हेमरेज होता कैसे है, अब ऐसी कंडीशन के लिए जो पांच दवाएं, उसमें पहली दवा है ब्रैनिया। ब्रैनिया बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों इस कंडीशन के लिए। ब्रैनिया का जो ब्लड होता है उसमें खास बात क्या होती है कि उसके जो बेसिक सिम्टम होते हैं ये हमेशा हमको ध्यान देना है। सिर के अंदर भारीपन होना, कोई भी तकलीफ़ है तुरंत थोड़ा भी मूव कर रहे इंसान, थोड़ा भी मूवमेंट से बढ़ जाए, ब्लड आ रहा है थोड़ा भी मूवमेंट करे बढ़ जाए, चुपचाप पड़ा रहे तो सही है। इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो, म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाए, मुंह के अंदर सूखापन हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगे, ऐसी कंडीशन के लिए बेस्ट दवा है ब्रैनिया। दूसरी दवा है दोस्तों लैकेसिस। लैकेसिस में भी ये सिम्टम पाया जाता है कि एक जगह का ब्लड बंद हो दूसरी जगह का शुरू हो जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए आप लैकेसिस के अंदर में देखेंगे जो सिम्टम पाया जाता है कि रात में तकलीफें इसको बढ़ जाती हैं, प्यास रहती है, जीभ बाहर करने पर लपलपाती जैसी महसूस होती है, और आँख खुलती है तो उसकी तकलीफ बड़ी महसूस होती है, उलझन बेचैनी से होती रात के वक्त में। तीसरी दवा है दोस्तों हेमामेलिस। हेमामेलिस भी ऐसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसका जो डिस्चार्ज होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वह बिल्कुल रेड हो सकता है, साथ में कभी कभी इसके साथ में थक्के भी आ सकते हैं ब्लड के। चौथी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस को डिफाइन करने के लिए पेशेंट दुबला पतला लंबा होता है और साथ में प्यास होती है, ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, ठंडा पानी खूब ज़्यादा पीना चाहता है, ये इसका खास सिम्टम पाया जाता है। पांचवी दवा दोस्तों पल्सर टीला। पल्सर टीला का जो पेशेंट होता है माइल्ड होता है, अगर लेडीज है तो बहुत माइल्ड है, रोने की प्रवृत्ति होती है, साथ में मुंह सूखा होता है लेकिन प्यास नहीं लगती, ये इसका खास सिम्टम इसके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों ये पांच दवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसी कंडीशन में, जब वैकेरियस हेमरेज पाया जाए किसी भी पेशेंट के अंदर में, तो उस चीज़ को सही करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।